एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, 28 अगस्त को होगी भजनलाल कैबिनेट की बैठक, दोपहर 3 बजे सीएमओ में होगी कैबिनेट बैठक, दोपहर 3:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, पर्यटन नीति के ड्राफ्ट को लेकर मंजूरी मिलने के आसार हैं, उद्योग नीति, निवेश नीति या निवेश प्रोत्साहन स्कीम, खनिज नीति पर फैसले के आसार हैं, सेवा नियमों में संशोधन को लेकर चर्चा होगी, गहलोत सरकार के फैसलों की समीक्षा के लिए कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी इस बैठक के दौरान। तो 28 अगस्त को भजनलाल कैबिनेट की बैठक होने वाली है, बड़ी खबर है, दोपहर 3 बजे सीएमओ में ये बैठक होगी कैबिनेट की, इसके बाद दोपहर 3:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है। बता दें कि पर्यटन नीति के ड्राफ्ट को मंजूरी मिलने के आसार हैं इस बैठक के दौरान। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से बातचीत के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने इमरजेंसी वार्ड में सेवाएं देनी शुरू कर दी हैं। हालांकि अभी भी ओपीडी सहित अन्य सेवाओं से रेजिडेंट डॉक्टरों ने किनारा किया है। फिलहाल अस्पताल में सीनियर डॉक्टरों ने ही मोर्चा संभाल रखा है। उधर इमरजेंसी वार्ड में रेजिडेंट डॉक्टरों की ड्यूटी होने से अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। वहीं जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल के ओपीडी में भारी भीड़ देखी गई है। वहीं आईसीयू में रेजिडेंट डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर कदम से कदम मिलाकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हालांकि अस्पताल में दूसरी अन्य इंतजामों पर हड़ताल का असर देखा जा रहा है। ओपीडी के बाहर मरीजों के वाहनों की लंबी लंबी कतारें हैं। इन सभी के बीच आईसीयू में तैनात डॉक्टरों से हमारे जोधपुर संवाददाता अरुण हर्ष ने खास बातचीत की है। चिकित्सा मंत्री से बातचीत के बाद में रेजिडेंट्स डॉक्टरों ने इमरजेंसी में सेवाएं देने के लिए चिकित्सा मंत्री की बात मान ली है। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में हम इस वक्त और इमरजेंसी में देख रहे हैं किस तरह से जो है रेजिडेंट डॉक्टर से उनसे बात, किस तरह से आप लोग यहाँ पेशेंट की सेवा कर रहे हैं और चिकित्सा मंत्री की बातचीत के बाद में अब आप हम सिर्फ इमरजेंसी में वापस ज्वाइन किया है और ये आईसीयू है इसलिए इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे हैं हम। सर सीनियर्स किस तरह से ड्यूटी को संभाल रहे अस्पतालों? नहीं बिल्कुल, जैसे कि आपको सबको क्या था कि रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पे थे उस दौरान कॉलेज प्रशासन द्वारा और सब सीनियर्स की ड्यूटी लगाई गई थी। हमारे यहाँ तो आईसीयू है इसमें वैसे भी प्रोफेसर लेवल की ड्यूटी रहती है और अभी जैसा कि वार्ता के बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ जो इनकी वार्ता हुई उससे बाद हमारे रेजिडेंट्स आज वापस लौट के आए और आईसीयू में अच्छे से काम कर रहे हैं और जितने भी मरीज हैं उनकी पूरी देखभाल कर रहे हैं। क्या लगता है सर, जो पिछले दिनों 8 से 9 दिनों का दबाव बढ़ा हुआ था आज थोड़ा दबाव कम हुआ रेजिडेंट के अगर इमरजेंसी में लौटने? जी बिल्कुल, व्यवस्थाओं को सीनियर्स डॉक्टर्स के द्वारा दूसरे जगहों से भी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की गई जिससे व्यवस्था को चलाया गया, बट निश्चित रूप से रेजिडेंट डॉक्टर्स जो होते हैं वो मेडिकल की प्रोफेशन की स्पाइन है, बैकबोन है, तो उनके आने से निश्चित रूप से मरीजों को भी बहुत लाभ होगा और मैं अपील करूंगा कि सभी मरीज और अटेंडेंट से और हमारे डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए जो भी मैक्सिमम किया जा सके वो करें और हम सब मरीजों के लिए ही तैनात होते हैं और हम पूरी कर्म से पूरे मन से मरीजों की सेवा करते हैं। बिल्कुल, किस तरह से डॉक्टर साहब चल रही है व्यवस्था अस्पताल में आज की बात करें? मेरी पोस्टिंग यहाँ पास में सलावाज पोस्टिंग है, अभी रेजिडेंट की स्ट्राइक के टाइम ही हमारे को हर हॉस्पिटल से तीन चार डॉक्टर्स को यहाँ ड्यूटी के लगाया था तो हम भी पिछले 5 दिन से यही इमरजेंसी ड्यूटीज दे रहे हैं होती है। कह सकते हैं चिकित्सा मंत्री की बातचीत के बाद में कुछ हद तक व्यवस्थाएं पटरी पर आने लगी है लेकिन अभी भी कई सुधार की गुंजाइश की आवश्यकता है और यही कारण है कि मरीज अभी भी डॉक्टर्स की तरफ देख रहे हैं। वही सरकार भी डॉक्टरों से अपील कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तक ने अपील की है, देखना यह है कि पूरी रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल कब तक समाप्त हो पाती है लेकिन जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई है उसमें मरीजों को फिलहाल लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। जोधपुर से अरुण हर्ष, NDTV।